हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन फ्लोनेट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत ईजी uh, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं बट कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्लोनेट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे तो ये जो डायग्राम्स दिखते हैं थोड़े टिपिकल दिखते हैं फ्लोनेट के हम इनके क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं जनरली वन स्टेप क्वेश्चन होते हैं इसके जितने भी फ्लोनेट के क्वेश्चन आते हैं रिपीटेडली हर साल एटलीस्ट अल्टरनेट ईयर में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है है ना तो हम इस वीडियो में और आ, अपार्ट फ्रॉम जो भी गेट या ई एस सी में क्वेश्चन आए हैं मैंने एक क्वेश्चन की लिस्ट बना रखी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि गेट में नहीं आए हैं अभी तक किसी इंजीनियरिंग एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है तो अगर आप पी डी एफ में देखेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में पी डी एफ अटैच उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हम उन सबके सोल्यूशन्स करेंगे पहले हम आज इस इस वीडियो में राइट नाउ हो वी विल डिस्कस कि कैसे फ्लोनेट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उनकी स्टेप्स स्टेप्स जानते हैं बेसिक्स जानते हैं फिर हम थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे है ना लेट अस फर्स्ट लुक एट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फ्लोनेट दैट इज लेप्लाज इक्वेशन से इसका डेरिवेशन आता है लास्ट वीडियो में हमने फ्लोनेट में डिस्कस किया है कि ये इक्वेशन जो है इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं है ना तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन नाइन्टी परसेंट जो क्वेश्चन आते हैं फ्लोनेट के वो इसी इक्वेशन के ऊपर इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आते हैं है ना तो हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले बात करते हैं इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन को एक एक करके ओपन अप करते हैं लेट अस सी द फर्स्ट टर्म दैट इज कॉल्ड एज के के इज आल्सो कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हम जानते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी तो के इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एज वी ऑल नो इसको हमने परमेबिलिटी में बहुत डिटेल में देखा है इसकी यूनिट जो है वेलासिटी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर डे या फिर एम एम पर डे ऐसी कुछ यूनिट्स इसकी होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइप की है ना इसमें हमको ध्यान देना है कि जनरली के की जो वैल्यू होती है क्वेश्चन में गिवन होती है आ, आपको कहीं ना कहीं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी या परिटी के नाम से गिवन होगी अपार्ट फ्रॉम दैट के कभी आपको हो सकता है कि सिर्फ एक डायमेंशन की जगह टू डायमेंशन वैल्यूज दे दें कि के एक्स और के वाई आपको दे दें साथ में तो उस केस में के को हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे के विल बी रिप्लेस विद के इक्वेलेंट और उसकी वैल्यू क्या होगी के एक्स इंटू के वाई रेस्ट टू दावर वन बाय टू या फिर हम बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई ये वैल्यू हमारे पास क्या की होगी के इक्वेलेंट की तो जो के है उसकी जगह हम लोग के इक्वेलेंट का फॉर्मुला यूज करेंगे यही वैल्यू अगर आपको थ्री डायमेंशन में दी है मतलब एनेजोट्रॉपिक सॉइल है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन तीनों में परमेबिलिटी अलग अलग है तो के इक्वेलेंट का फॉर्मूला थोड़ा सा और चेंज हो जाता है इसमें हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स के वाई के जेड क्योंकि हमने तीन बार मल्टीप्लाई किया है इसलिए हम इसका क्या लेते हैं क्यूब रूट वन बाय थ्री तो कैलकुलेटर में आप के एक्स इंटू के वाई इंटू के जेड मल्टीप्लाई करके उसकी पावर में वन बाय थ्री लगा देंगे है ना या फिर हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में के एक्स के वाई के जेड का क्यूब रूट भी ले सकते हैं ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है ये हमारे पास के की वैल्यू जाती है कोएफिशिएंट ऑफ क्वेश्चनिटी डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन रहेगी अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे एक और वैल्यू दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एच इज डेल्टा एच डेल्टा एच इज हेड डिफरेंस या फिर हम बोलेंगे हेड लॉस या हेड डिफरेंस हेड डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम हेड डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ डैम या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इसको कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग तीन फिगर्स देख लेते हैं सीधे हम एक्सपायर एग्जाम्पल्स ही समझेंगे या तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली हेड डिफरेंस गिवन रहे यूनिट जिसकी रहेगी मीटर है सेंटीमीटर में या तो आपको निकालना रहेगा फिगर देख के तो देखिए कैसे निकालते हैं बड़ा सिंपल है ये फिगर में आ, अगर हम बात करें तो दिस इज द अपस्ट्रीम इन द फिगर नंबर वन इस फिगर में आप देखिए अपस्ट्रीम है और ये आपका डाउन स्ट्रीम है है ना देर आर अप दिस इज द अप एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द डैम यहाँ पे आपको बस इतना देखना है दो ट्रैंगल्स आपको हमेशा वाटर का लेवल दिखाते रहेंगे एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे वाटर का लेवल दिखा रहा है और एक ट्रेंगल आपको डाउन स्ट्रीम साइड में दिख रहा है जो कि वाटर का लेवल दिखा रहा है इन दोनों ट्रेंगल के बीच का जो वाटर डिफरेंस रहेगा जो डिफरेंस ऑफ लेवल रहेगा दैट इज गोइंग टू गिव अस द डेल्टा एच की वैल्यू तो यहाँ पे आप देखो ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो कि हमको दिख रहा है कितनी वैल्यू है सिक्स पॉइंट थ्री मीटर तो फॉर दिस फिगर डेल्टा एच एज सिक्स पॉइंट थ्री मीटर हमको बस कुछ नहीं करना है दो जो वाटर लेवल की बन है उनके बीच का डिफरेंस देखना है यहाँ पे आप देखिए सेकेंड फिगर में यहाँ पे आपको एक वाटर लेवल दिख रहा है यहाँ पे और एक वाटर लेवल हमको यहाँ पे दिख रहा है ये इन दोनों के बीच का वाटर लेवल का डिफरेंस कितना है तो आप देखिए ये लेवल और ये लेवल इनके बीच का जो डिफरेंस है दट इज नाइन मीटर्स हमको फिगर में दे दिया उन्होंने डायरेक्टली नाइन मीटर तो डेल्टा एच ओवर ईयर इज नाइन मीटर्स है ना so, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका जो हाइट है डेटम के ऊपर 9.6 मीटर है इसकी जो हाइट है 0.6 मीटर है ये 0.6 मीटर लिखा है 9.6 पॉइंट सिक्स माइनस जीरो आपको 9 मीटर मिलेगा है ना तो या फिर आप डायरेक्टली सबसे सिंपल तरीका क्या है दो ट्रेंगल्स का डिफरेंस आपको देखना है इस फिगर में आप देखिए फिगर नंबर थर्ड में फिगर नंबर थर्ड में एक ट्रेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रेंगल यहाँ दिख रहा है

ट इज एन एफ ओवर एन एफ क्या है एन एफ इज बहुत ध्यान से लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स एन एफ क्या है नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स चैनल्स की बात कर रहे हैं उन रास्तों की बात कर रहे हैं अगेन अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो आप आई विल रिक्वेस्ट कि आप इसका पहले वाला वीडियो देखिए तो आपको ये सारी चीजें क्लियर कट समझ में आएंगी एन एफ इज नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इसका फॉर्मूला हमने बताया था क्या होता है नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स माइनस वन नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स या फिर हम बोलते हैं साई लाइन्स नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स माइनस वन या फिर हम बोलेंगे नंबर ऑफ साई लाइन्स माइनस वन नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स और नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दोनों अलग अलग टर्म्स हैं है ना ये हम लोग लास्ट टाइम में डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किसकी नेक्स्ट टर्म इज एन डी एन डी इज नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स इसको बोला जाता है इनको भी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स इसका फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ फाइल लाइंस या फिर नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस माइनस वन अभी कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फाइल लाइंस कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ फ्लो लाइंस वो हम हम दो-तीन डायग्राम में समझ लेते हैं है ना सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं Uh, हम हम बात करेंगे नंबर ऑफ फ्लो लाइंस की फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर नंबर ऑफ इक्वीपोडेशन लाइन की बात करेंगे दोनों को हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये हमको समझ में आ रहा है दिस इज द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम ये हमको समझ में आ रहा है दिस इज दिसाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम जब पानी का मूवमेंट होगा तो पानी आपको पता है ऐसे मूवमेंट हो रहा होगा पानी का पानी ऐसे जाएगा ये हमको क्लियर कट समझ में आ रहा है और पानी इधर से बाहर निकल जाएगा तो वाटर इज गोइंग टू मूव लाइक दिस कौन सी लाइन ऐसी है जो कि दिखा रही है इस तरीके का मूवमेंट तो आप देखो ये जो गोल वाली लाइन है आपको फ्लो लाइन दिखा रही है ये आपको दिखा रही है इस तरीके से पानी मूव करेगा तो ये हमारी एक फ्लो लाइन है इस तरीके से हम समझ सकते हैं है ना तो ये जो लाइन है क्योंकि हमको बहुत सारी लाइन दिख रही है हम कंफ्यूज हो सकते हैं एक लाइन हमें मार्क कर लेते हैं दिस इज द फ्लो लाइन ये हमको श्योर है कि ये पानी के रास्ते को दिखा रही है इसलिए हम इसको फ्लो लाइन बोलते हैं इसको हम साय वन नाम ले देते हैं एक और फ्लो लाइन आप देखिए एक फ्लो लाइन इसके पैरेलल ये भी चल रही है दिस इज ऑल्सो फ्लो लाइन इसको हमने क्या बोल दिया हमने इसको नाम दे दिया साय टू दैट इज अनादर फ्लो लाइन अब दो फ्लो लाइन और होती है एक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिल्कुल जो बाउंड्री से टच करके चलती है उसको भी हम फ्लो लाइन बोलते हैं तो एक जो है बिल्कुल बाउंड्री से टच करके कर चलती है दैट इज ऑल्सो वन ऑदर फ्लो लाइन इसको हमने बोला साय थ्री ठीक है एक फ्लो लाइन हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिल्कुल इम्परवियस uh, स्टेटा के साथ साथ में चलती है दैट इज ऑल्सो अनादर अनादर फ्लो लाइन दैट इज साइफ फोर तो वी है कितनी है हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स यहाँ पे हमारे पास हो गई फोर बट नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं ये तो वो लाइन्स हैं ये तो बाउंड्रीज हैं फ्लो एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है फ्लो एक्चुअली इन चैनल्स में हो रहा है तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस चैनल के अंदर ये रास्ता है इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो कितने कितने ऐसे रास्ते हैं एक रास्ता ये एक रास्ता ये और एक रास्ता ये वाला ये

जहां से पानी निकल निकल के जा रहा होगा ये रास्ता बीच में ये नाली एक ये वाली जिससे रास्ता जा रहा होगा एंड अनादर रास्ता इज दिस दिस वन नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स तो फ्लो लाइन्स तो हमारे पास चार हैं एक दो तीन और चार बट नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हैं तीन एक दो और तीन तीन फ्लो चैनल्स ठीक है तो ये हमको एक चीज ध्यान में रखना है अब हम बात करते हैं किस चीज की लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स है ना उनकी अगर हम बात करें तो जब भी पानी का फ्लो हो रहा है है ना वेन वाटर इज फ्लोइंग आप देखेंगे जब ये पानी फ्लो हो रहा है तो ये पानी के परपेंडिकुलर फ्लो लाइन के परपेंडिकुलर कुछ लाइंस आके अट्रैक्ट अटैक कर रही है ये देखिए एक लाइन ये है एक लाइन ये है एक और बात हम जो ध्यान देंगे वो यहाँ पे है कि जो ये वाली लाइन है पहली लाइन हमको जो पर्पल कलर से दिख रही है इस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट करिए कोई भी पीजोमीटर आप लगाइए आपको हमेशा वाटर का लेवल ये सेम मिलने वाला है

है ना फाइव वन एंड फाइव टू अब आप देखिए जब पानी मूव करना चालू करेगा यहाँ से यहाँ तो उसके रास्ते में एक और लाइन आएगी परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ठीक है अनादर लाइन फिर जब पानी आगे मूव करेगा तो उसके रास्ते में एक और लाइन आएगी दिस वन फिर पानी मूव करेगा, करेगा ये वाली लाइन आएगी फिर पानी मूव करेगा ये लाइन आएगी फिर पानी आगे जाएगा ये लाइन सामने आएगी फिर पानी आगे जाएगा ये सामने तो हमारे पास देखिए फाइव वन तो ये था फाइव टू ये है ये वाली लाइन हमारे पास फाइव थ्री हो जा गई दिस लाइन इज फाइव फोर दिस लाइन इज़ फाइव फाइव

That is equals to ND, and ND is equals equals to to and number of lines minus one seven minus one that is six. छः बार ड्रॉप होगा यहाँ पे एनर्जी का देखिए जब पानी यहाँ से मूव करेगा तो पहला ड्रॉप इस एरिया में होगा नंबर one ड्रॉप नंबर two ड्रॉप यहाँ होगा नंबर three ड्रॉप नंबर four नंबर five नंबर six तो छः बार पानी में एनर्जी का लॉस होगा हर बार इक्वल लॉस होगा क्योंकि हमको पता है इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स की वैल्यू कितनी होती है सेम होती है तो देर आर सिक्स नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एक तरीका निकालने का ये है दूसरा तरीका हम थोड़ा इजी तरीका देखते हैं इसको सॉल्व निकालने का एकता है कि हम हर चीजों को फाइंड आउट करें और फिर निकालें या फिर हम दूसरा तरीका देखते हैं इसी को फाइंड आउट करने का एक और शॉर्ट ट्रिक अगर हमको एनडी की वैल्यू निकालना इफ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनडी तो मैं कोई भी दो फ्लो फ्लोलाइंस लूंगा कोई भी दो क्लियर कट फ्लो फ्लोलाइंस जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिख रहा है देखिए फ्लो लाइन नंबर वन और फ्लो लाइन नंबर टू यह फ्लोलाइन है तो ये दो फ्लो लाइन आपको क्लियर कट दिख रही है इन दोनों को मार्क कर लो आप है ना ये हमको क्लियर कट दिख रही है आपको ऐसा कोई मार्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं आप आंखों से ही समझ जाएंगे कि ऐसा कुछ तो देर आर टू फ्लो लाइन दैट वी आर सींग हमको बस इन फ्लो लाइन्स के बीच में कितने रूम है वो हमको देखना है कितने खाँचे हैं इन फ्लो फ्लोलाइंस के बीच में वो हम मार्क करेंगे तो देखिए रूम नंबर वन रूम नंबर टू रूम नंबर थ्री फोर फाइव और सिक्स एक रूम ये वाला है एक रूम ये वाला है टू अनादर रूम थ्री दि इज अनादर रूम फोर फाइव अनादर रूम सिक्स देर आर सिक्स इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स एनडी की वैल्यू कितनी होगी एनडी की वैल्यू सिक्स बिल्कुल कोई भी दो फ्लो लाइन के बीच में जो भी जगह होगी उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टली एनडी की वैल्यू आ गई हमारे पास है ना अब अगर मुझे निकालना है कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने एन एफ है ना इफ आईव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा दो फाइव लाइन्स लेना पड़ेगा कोई भी दो क्लियर कट फाइल लाइन्स जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमको दिख रहा है उन दो फ्लो लाइन्स को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे देखिए एक फ्लो लाइन मैंने वाली एक 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 लाइन ये याली ले लिया एक फाइल लाइन ये ले लिया ये दो लाइन मुझे करेक्ट बिल्कुल क्लियर कट दिख रही हैं इन दो लाइन के बीच में आप देखिए कितनी कितने डब्बे हैं एक दो और तीन ऐसे तीन डब्बे यहाँ पे आ रहे हैं एक डब्बा ये वाला एक डब्बा ये वाला और एक डब्बा ये वाला देर आर थ्री बॉक्सेस ओवर तो ईयर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एन की वैल्यू इज थ्री फोर द मोस्ट ईजी मैथड टू डिटरमाइन दिस जब भी हमको नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कोई भी दो क्लियर कट फ्लो लाइन ले लीजिए उनके बीच में आप नंबर ऑफ रूम्स गिन लीजिए जब भी हमको नंबर ऑफ फ्लो फ्लो चैनल्स निकालना है कोई भी दो फाइव लाइन्स ले लीजिए है ना और उनके बीच के आप नंबर ऑफ खांचे गिन लीजिए दैट इज ऑल सिंह हर कहीं पे भी आप वैल्यू लेकर आ लेंगे सेम ही आएगा अगर आपने मान लो मैंने बोला नहीं मैं ये वाले दो फ्लो लाइंस ये वाले दो फाइव लाइंस लूंगा तो अभी आपको नंबर ऑफ रूम्स एक दो और तीन ही मिलेंगे तो एन की वैल्यू हमेशा तीन ही आने वाली कहीं पे भी लीजिए है ना ये हम कोई भी दो क्लियर कट लेंगे ताकि हमको निकालना आसान रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस एक और फिगर देखो ये वाला फिगर हम लोग देखते हैं इस फिगर में आप देखिए सबसे पहले हम एनडी की वैल्यू निकाल रहे हैं एनडी की वैल्यू निकालने के लिए देखिए एनडी के लिए हमको चाहिए दो फ्लो फ्लोलाइंस कोई भी दो क्लियर कट फ्लो फ्लोलाइंस तो आपको देखो एक फ्लो लाइन बिल्कुल क्लियर कट दिख रही है ये वाली है ना ये पानी यहाँ से निकला और यहाँ चला गया दिस इज वन ऑफ द फ्लो लाइन अनादर फ्लो लाइन बिल्कुल उसके बाजू में दिख रही है ये भी एक फ्लो लाइन है है ना हमने इन दो फ्लो फ्लोलाइंस को मार्क कर लिया इन फ्लो फ्लोलाइंस के बीच में हम लोग खाचे गिन लेते हैं कितने हैं है ना तो विल कैलकुलेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो देर आर टेन

ठीक है कोई भी आप दो ले ले अगर मैं ये वाली दो लेता तो भी वैल्यू कितनी आती है वन टू और ये थ्री चाहे हम कोई भी लें वैल्यू जो है सेम ही आती है बट आप कभी भी देखिए ऐसा वाला लाइन ना लें जो ये आपको ये वाली लाइन दिख रही है इस तरीके की लाइन लेंगे तो ये एंड इसका क्लियर नहीं है, हमको कहां पे जाके खत्म हो रही है लाइन है ना तो हम कभी भी ऐसी लेंगे जिनका एंड पॉइंट जैसे इस ये ग्रीन लाइन जो हमने ली इसका एंड और स्टार्टिंग हमको क्लियर है हम ऐसी लाइन लेंगे इतनी सारी है ऐसी लाइन लो जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करे ठीक है तो ये तरीका हमारा एनडी और एन एफ कैलकुलेट करने का है है ना तो हम इस तरीके से एन डी और एन एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अब बच्चे हमारे पास लेंथ ऑफ द डैम हमारे पास क्या बचा हमारे बचा हमारे पास बचा है लेंथ ऑफ द डैम लेंथ ऑफ द डैम निकालने का तरीका क्या है लेंथ ऑफ द डैम दैट इज एल लेंथ ऑफ द डैम ये जो लेंथ ऑफ द डैम है ये क्वेश्चन में गिवन होता है लेकिन थोड़ा हिडन तरीके से गिवन होता है

तो ये वाली जो लेंथ है इसको हम बोल, हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द डैम ये आपको क्वेश्चन में मैं दिखती नहीं है बट मेंशन हो सकती है कई बार क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ द डैम इतनी है अगर नहीं मैं तो क्वेश्चन में एक और तरीके से लिखा हुआ रहता है जो डिस्चार्ज आपसे पूछते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज क्यू दिस क्यू इज आज इन अ वेरी डिफरेंट टर्म्स दिस इज एक्चुअली हमको पता है डिस्चार्ज की यूनिट यूनिट क्या होती है द ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड फिर इसकी यूनिट होती है लीटर्स पर सेकेंड ऐसी कुछ यूनिट होती है लेकिन इसको पूछा जाता है आपसे मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर डैम लेंथ पर मीटर डैम लेंथ जैसे ही आपसे लिख दिया कि पर मीटर डैम लेंथ निकालना है मतलब वो चाह रहे हैं आपको क्या कि एल की वैल्यू आपको एक मीटर एज्यूम करना है पर मीटर डैम लेंथ का मतलब फॉर अ वन मीटर लेंथ ऑफ द डैम आपको एज्यूम करना है तो इसके जब हम एक्साम्पल देखें तो हमको क्लियर हो जाएगा डिस्चार्ज कि क्या है है ना अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज है क्यू इसको कई बार बोला जाता है सी पेज। तो सी पेज सी पेज तो इज कॉल्ड एज थ्रू थ्रू डैम डैम आपको यूनिट से समझ में आ जाएगा कि आपसे पूछ रहे हैं कैपिटल क्यू की वैल्यू है ना तो लेट अस सॉल्व टू थ्री क्वेश्चंस जो कि इस बेस uh, को बनाएंगे हमारे हम लोग कुछ क्विक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दो तीन सबसे पहला क्वेश्चन देखिए गेट 2016 का ये क्वेश्चन है हमको हमको ये पहली बार अभी हमको पता है कि ये इसी इक्वेशन से होगा तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे क्यू इजिकल टू के इन टू डेल्टा एच एन एफ अपॉन एन डी इन टू एल ये हमारी इक्वेशन है अब हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं इनमें से सारी वैल्यूज हैं कि नहीं तो सबसे पहले द सी पेज क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे जाए सी पेज अकरिंग थ्रू एन अर्दन डैम इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लो नेट कंप्राइजिंग ऑफ टेन इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप्स

क्वेश्चनिटी इज थ्री एम एम पर मिनट नेक्स्ट एंड द हेड लॉसिस डेल्टा एच आपको दे दिया डायरेक्टलीड लॉसिज फाइव मीटर द रेट ऑफ सीपेज अब आप ध्यान दीजिए तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं द रेट ऑफ सीपेज हमने बोला था क्यू की वैल्यू मतलब रेट ऑफ सीपेज द रेट ऑफ सीपेज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको क्यू का एम ए चाहिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड देू इन यूनिट ऑफ सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ द डैम मतलब लेंथ लेंथ ऑफ ऑफ द द डैम डैम कितनी करने के लिए बोल रहे हैं मीटर मीटर तो कितना हो गया हम ये सारी वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं और आंसर है निकालना कर, निकालेंगे हम लोग सेंटीमीटर में फॉर मीटर लेंथ ऑफ द डैम तो के वैल्यू पुटअप करते हैं थ्री आप ये भी देखते जाइएगा कि यूनिट कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग तो थ्री एम एम पर मिनट ये हमने के की जगह पुटअप कर दिया डेल्टा एच की जगह मैंने पुटअप किया फाइव मीटर्स एन एफ की जगह पुटअप किया ट्वेंटी जगह हमने पुटअप किया टेन और लेंथ की जगह हमने हमको का है में चाहिए, सबसे पहले नीचे वाला जो मिनट है उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड है ना ये जो तीनों मीटर्स की है, mm, मीटर और मीटर इन तीनों को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एम mm एम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम टेन टू दावर माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम टू 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 पावर 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 मल्टीप्लाई करेंगे दो बार है ना तो फॉर दिस मीटर एंड अगेन हमारा कन्वर्जन जो है कंप्लीट हो गया अब जो हमारी यूनिट आएगी कायम आएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हमने सारी यूनिट्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और मिनट को हमने कायम में कन्वर्ट कर दिया सेकेंड में ठीक है फाइव हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बड़ा सिंपल क्वेश्चन ठीक है ये गेट 2016 में शायद टू मार्क्स के लिए पूछा गया आपसे क्वेश्चन अब हम एक और बात करते हैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन द शीट पाइल हैज एन अगेन हम लोग क्वेश्चन में इक्वेशन लिख लेते हैं क्यू इजिकल्स टू के इन टू डेल्टा एच एन एफ अपॉन एन डी इंटू एल या आप जितनी बार इक्वेशन लिखेंगे उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी इक्वेशन है ना तो ये हम लोग लिख लेते हैं इक्वेशन बार बार लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा शीट पायल एज एन एम्बेडमेंट डेप्थ ऑफ 12 मीटर हमको कोई मतलब नहीं एम्बेडमेंट डेप्थ क्या होता है हमको मतलब नहीं उससे 10 मीटर पर सेकेंड बात करते हैं द डिफरेंस इन वाटर डिफरेंस इन वाटर लेवल बिटवीन टू साइड ऑफ द शीट पायल इज फोर मीटर मतलब आपको एच की वैल्यू गिवन है फोर मीटर दो साइड के बीच में वाटर लेवल डिफरेंस फ्लो नेट इज कंस्ट्रक्टेड विथ फाइव नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स यहां पर आपको गिवन है फाइव नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स तो हमको नंबर ऑफ फ्लो गिवन है नंबर ऑफ फ्लो गिवन है कितनी नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितने हो जाएंगे? One, तो हो जाएंगे? की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे? एंड इलेवन नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल लाइन आपको फाइव फाइव लाइन कितनी गिवन है

अंडर द शीट पाइल पर मीटर अंडर द शीट पाइल अब हम वैल्यूज को पुटअप करते हैं सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालेंगे ट्राई करेंगे ठीक है पुट द वैल्यूज इयर के की वैल्यू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड इंटू डेल्टा एच की वैल्यू फोर मीटर्स यूनिट साथ में पुटअप करते जाएंगे तो मिस्टेक होने के चांस बहुत कम होते हैं फोर इंटू टेन इंटू वन मीटर हमको आंसर चाहिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में सेकेंड तो बराबर यहां पे भी सेकंड यहां पे भी सेकंड बराबर है कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है तीन सेंटीमीटर चाहिए यहाँ पे तीनों मीटर्स है तीनों मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या, क्या मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा टेन टू दी पावर टू टेन टू दी पावर टू टेन टू दी पावर टू तो हम ये हर मीटर को सेंटीमीटर में है तो हमको पता है वन मीटर इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर है ना या फिर हम बोलेंगे वन मीटर इक्वल टू टेन टू दी पावर टू सेंटीमीटर तो हमने सारे मीटर्स को जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हर मीटर को 10 टू द पावर 2 से रिप्लेस कर दिया है ना जैसे ही हम ये वाली वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 1.6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर डैम लेंथ सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गेट 2012 का क्वेश्चन है अब आपको डायग्राम दे दिया है हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी द सी लॉस इन क्वेश्चन में पूछ रहा है

मीटर पर डे फर्स्ट थिंग के हमको क्लियर हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये वॉडेश बने अब हमको पता निकालना है हमको क्या डेल्टा एच एन एफ और एनडी ये तीनों वैल्यूज हम लोग कहाँ से निकालेंगे ये तीनों वैल्यूज हम लोग निकालेंगे फ्रॉम द फिगर इट सेल्फ डेल्टा एच ऊपर वाला ट्रेंगल और नीचे वाले ट्रैंगल के बीच का डिफरेंस तो आपको दिख रहा है ये टेन मीटर है इसमें से वन पॉइंट फाइव मीटर माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू मिल जाएगी हमको जो बीच का डिफरेंस दैट इज एट पॉइंट फाइव मीटर तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास क्या होगी डेल्टा एच की एट पॉइंट एच अब बात करते हैं एन एफ और एन डी की वर्ट इज एन एफ एंड एन डी वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल हमने प्रोसेस जान रखी है कैसे करते हैं पहले कोई भी दो फ्लोलाइंस ले लीजिए एक फ्लोलाइन हमारी ये वाली हो गई और एक फ्लोलाइन ये वाली हो गई इन दो फ्लो लाइन्स के बीच हमको खाँचे गिनना है कितने हैं तो लेटर्स काउंट द नंबर ऑफ स्पेसेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देर आर नंबर ऑफ एट स्पेसेस एन एफ की वैल्यू कितनी हो सॉरी एनडी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास एट दो फ्लो लाइन के बीच में हमको एनडी मिलता है फिर हम बात करते हैं किसकी कोई भी दो इक्वीपोटेंशियल लाइन लेते ले हैं कोई भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन ले लीजिए हमने एक इक्विपोटेंशियल लाइन ले ली ये वाली और एक इक्विपोटेंशियल लाइन ले ली ये वाली इनके बीच हम रूम गिन लेते हैं वन टू थ्री फोर तो एन एफ की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बस फोर ठीक है आपसे लेंथ की बात करते हैं तो क्वेश्चन में पूछा है सीपेज लॉस इन मीटर क्यूब पर डे पर तो मतलब एक मीटर की बात करेंगे क्योंकि सारी यूनिट्स मीटर में चल रही है में चाहिए? में. सारी वैल्यूज को यहां पर मीटर क्यूब पर डे वाली वैल्यू सारी वैल्यूज को पुटअप करें के की वैल्यू जीरो पॉइंट जीरो नाइन मीटर पर डे पहली यूनिट डेल्टा एजेज एट पॉइंट फाइव मीटर इन फोर डिड बाय फोर डिवाइड बाई एट है ना ये माइनस नहीं है इन टू एल इज वन मीटर क्या आंसर मीटर क्यूब पर डे में चाहिए और उसी में आ रहा है क्या देखो तो yes, नीचे वाली यूनिट तो डे में है बाकी तीन मल्टीप्लाई होंगे मीटर तो मीटर क्यूब आ जाएगा तो आंसर में हमको कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे डायरेक्टली हमारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी इट इज कमिंग आउट टू जीरो पॉइंट थ्री एट मीटर क्यूब पर डे वजह से इन दी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी आ रही वैल्यू ठीक है तो ये डायरेक्टली के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एक ही फॉर्मूले के बेस्ड ये सारे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर जो आया 2014 का नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबरिटी आपको क्वॉंटिटी ऑफ फ्लो इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अंडर द डैम पर मीटर ऑफ डैम पर मीटर ऑफ द डैम मतलब आपको लेंथ कितनी मैज्यूम करना है वन मीटर आपको फ्लो की यूनिट का हमें चाहिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में और आपको के की वैल्यू गिवन है मीटर पर सेकंड में अब बचा क्या डेल्टा एच निकालना डेल्टा एच देखो कैसे निकलेगा ये वाला ट्रैंगल और ये वाले ट्रैंगल के बीच का डिफरेंस दिख रहा है कि हमको कुछ बिल्कुल क्लियर कट 6.3 मीटर हमको डिफरेंस दिख रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.3 पॉइंट थ्री मीटर्स ये जो आपको 1.6 मीटर दिख रहा है वो इन दोनों के बीच का लेवल है है ना ये हमको क्लियर होना चाहिए वन नहीं है तो कौन सी वैल्यू है 6.3 मीटर ट्रेंगल और ट्रैंगल के बीच का डिफरेंस है ना दैट इज 6.3 पॉइंट थ्री मीटर डेट इज डेल्टा एच फोरस अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं एन एफ और एनडी की वो निकाल लो एन एफ और एनडी की वैल्यूज सबसे पहले कोई भी दो क्लियर कट इक्वीपोटेंशियल लाइन ले लेंगे कोई भी दो फ्लो लाइन ले लो पहले ये हमने एक फ्लो लाइन वाली ले ली क्लियर कट एक फ्लो लाइन वाली ले ली इनके बीच के रूम गिन लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

इन डेल्टा एच की जगह पुटअप करेंगे सिक्स पॉइंट थ्री मीटर्स इन टू एन एफ की जगह पुटअप करेंगे एनएफ इज थ्री एन एफ की जगह पुटअप करेंगे थ्री एनडी की जगह पुटअप करेंगे टेन एंड लेंथ ऑफर डैम की जगह पुटअप करेंगे वन मीटर ये आपको पूछा है पर मीटर हमको आंसर का है चाहिए हमको आंसर चाहिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में क्यू की वैल्यू आपको चाहिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में है ना सारी वैल्यूज जो है मीटर मीटर में है तीन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा टेन टू दावर

द प्रपोज डैम शोन इन द फिगर इज नाइनटी मीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ द डैम जो है आपको मैंशन कर दिया लेंथ ऑफ द डैम इज नाइंटी मीटर है कोबिलिटी ऑफ सॉइल इज जीरो पॉइंट जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो हमारे पास के की वैल्यू हो गई द क्वांटिटी ऑफ वॉटर द क्वांटिटी ऑफ वॉटर इन मीटर क्यूब

बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा ये जो लेवल है और जो लेवल के बीच का डिफ्रेंस नाइन मीटर ठीक है तो ये आपको क्वेश्चन में नाइन मीटर दे दिया डायरेक्टली डेल्टा एच फिर हम बात करते हैं एन एफ और एन डी की एन एफ और एन डी कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे कोई भी दो प्रॉपरली फ्लो लाइन ले लेते ले हैं एक फ्लो लाइन ये वाली एक फ्लो लाइन आप ले लीजिए ये वाली है ना तो ये दो फ्लो लाइन हो गई इनके बीच में रूम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबर ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो गए हमारे पास कितने

और ये दो इनके बीच में नहीं है एक पहला ब्लॉक यहाँ पे एक दो तीन चार पांच कहीं पे भी आप लीजिए ही आने वाला है है ठीक अगर हम आप यहां पे देखिए इस फिगर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको क्लियर कट दिखती है अगर मान लीजिए आपने एक इक्विपेंटेशन लाइन ये वाली ले ली और एक इक्विप्टन लाइन ये वाली ली तो आपको खाचे समझ में नहीं आएंगे कितने है? क्योंकि ये वाली इक्विपेंटेशन लाइन जो है यहीं पे रुक गई है आगे पहुंच नहीं पा रही है है ना तो आप कभी भी ऐसी दो इक्विपटेशन लाइन लीजिए जिसका स्टार्टिंग और एंड बिल्कुल आपको क्लियर कट दिख रहा हो जैसे मान लीजिए एक लाइन ये वाली है और एक लाइन ये वाली इसका स्टार्ट और एंड दिख रहा है आपको वन टू थ्री फोर फाइव इनके बीच में पाँच खाँचे इससे आपको निकालने में बड़ा आसानी रहेगी और कन्फ्यूजन नहीं होगा कैलकुलेशन में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा ठीक है दैट इज वॉट अब हम बात करते हैं इसको कैलकुलेट कर लेते हैं के की वैल्यू क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं के क्यू इज टू के ज़ीरो पॉइंट जीरो जीरो वन थ्री एम एम पर सेकेंड इंटू डेल्टा एच इज़ हमारे पास नाइन मीटर्स इंटू एन एफ इज़ फाइव एन डी इज एट एंड लेंथ इज नाइन्टी मीटर्स हमको आंसर का में चाहिए मीटर क्यूब पर डे हमको चाहिए आंसर मीटर क्यूब पर डे में तो हमको जो सेकेंड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डे में हमको पता है वन डे इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर इंटू छत्तीस सौ सेकेंड है ना तो वन सेकेंड को कन्वर्ट uh, करेंगे तो ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सिक्स डबल जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें क्या करना पड़ेगा हमको इसमें हमको ट्वेंटी फोर इंटू थ्री सिक्स डबल ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम दैट एम एम भी हमको यहाँ पे एक एम एम है इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा एम mm एम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए टेन टू दी पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा है ना यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए यहाँ पे हम लोग हमने बहुत बार बहुत बार जोर दिया है इसके ऊपर यूनिट कन्वर्जन आपको बिल्कुल क्लियर कट आना चाहिए नाइन इंटू वैल्यू कम्स आउट टू फिफ्टी सिक्स एट सिक्स टू मीटर क्यूब पर डे है ना ये हमारे पास जो है आंसर है इसका फॉर द फिगर यहाँ पे आप एक और चीज देखिए फिगर में बहुत सारी एक्स्ट्रा में वैल्यूज गिवन है आपको अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये आपको एक लेंथ गिवन है एक आपको येंथ की जीरो पॉइंट सिक्स मीटर वन पॉइंट मीटर दीज वैल्यूज आर ऑफ नो यूज टू अस हमारा पास एक फॉर्मला है और उसी का हमको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ठीक है इसके अलावा एक जो पार्ट हमारे से पूछते हैं जनरली क्वेश्चन में वो पूछते हैं एग्जिट ग्रेडियंट के ऊपर है ना आपने टर्म सुनी है कि नहीं हम, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एग्जिट ग्रेडियंट को व्हाट इज एग्जिट ग्रेडियंट तो ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का हमको फॉर्मूला पता है हाइड्रो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई के का वैल्यू होता है डेल्टा एच डिवाइड बाय एल है ना हेड लॉस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द फ्लो ये हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियट होता है लेंध आगे लेंध आगे। हम यहाँ पे देखेंगे तो, सारी, तो ये सारी आर लॉट ऑफ फ्लो चैनल्स ओवर हियर बहुत सारी फ्लो फील्ड्स हैं हमारे पास सॉरी तो हमारे पास एक फ्लो फील्ड ये वाली है एक फ्लो फील्ड ये है एक फ्लो फील्ड ये है ये है ये है ऑल दीज चीज दीज आर फ्लो फील्ड्स है ना यहाँ पे इन सारी फ्लो फील्ड में अगर हम बात करें तो डेल्टा एच हर किसी का सेम है हर किसी का डेल्टा एच सेम सब में जो है सेम होने वाला है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमको पता है, जो है, सेम होता है। उसी तरीके से हम लोग भी, तो भी दो फ्लो लाइन के बीच का जो लॉस होने वाला है वो सबका सेम है, है ना? तो अगर हम आई की बात करें I, I में का, अगर किसी भी का मुझे uh, निकालना है, तो सभी में आप देखिए डेल्टा एच जो है सबका सेम है लेकिन अगर हम उनकी लेंथ की बात करें तो सबकी लेंथ अलग अलग है जैसे आप देखिए अगर हम इस फ्लो फील्ड की बात करें तो इस फ्लो फील्ड की लेंथ इतनी बड़ी है अगर हम इस फ्लो फील्ड की बात करें तो इस फ्लो फील्ड की लेंथ उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी है इसकी थोड़ी छोटी है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्लो फील्ड हैव डिफरेंट डिफरेंट लेंथ ये हमको पता है कि जो सबसे लास्ट फ्लो फील्ड होती है उसकी लेंथ स्मॉलेस्ट होती है जो सबसे लास्ट फ्लो फील्ड होती है सबसे क्रिटिकल होती है और स्मॉलेस्ट भी होती है तो जो सबसे चिपकी हुई फ्लो फील्ड होती है किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के एंड में उसकी लेंथ सबसे स्मॉलेस्ट होती है आप देखिए जिसकी भी लेंथ स्मॉलेस्ट होगी जिसकी भी लेंथ स्मॉलेस्ट होगी उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ज्यादा होगा डेल्टा एस सबका सेम है डेल्टा एस तो कॉन्स्टेंट है तो आई जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लेंथ ऑफ द डैम पे तो आई डिपेंड्स अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द द लेंथ ऑफ डैम जितना लेंथ छोटा होगा उतना आई बड़ा होगा तो जो जो ये वाला डैम होता है इसमें आप देखिए एक फ्लो फील्ड एंड में यहां पे एंड में ही है तो आर थ्री फ्लो फ्लो इन द एंड सबसे लेंथ कौन सी फील्ड की जो बिल्कुल बाजू में है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की ये वाली फ्लो फील्ड की लेंथ सबसे कम है तो हम हमेशा एनालाइज करने के लिए सबसे लास्ट फ्लो फील्ड की लेंथ का यूज करते हैं और इसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है उसका हम बोलते हैं एग्जिट ग्रेडियंट एग्जिट ग्रेडियंट इज इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिट ग्रेडियंट इज इक्वल टू व्हाट नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड लेंथ ऑफ डिवाइड लेंथ ऑफ लास्ट लेंथ ऑफ लास्ट फील्ड। सबसे क्रिटिकल ये वाला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है तो जब भी हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना रहता है डैम की की, या फिर फ्लोनेट की, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। फैक्टर ऑफ आई क्रिटिकल डिवाइड आई क्रिटिकल का फॉर्मुला हमको पता है पता चल e, गया आई इज ग्रेडियंट है ना आई इज नथिंग बट एग्जिट ग्रेन विच इज लेंथ ऑफ द इक्वीपोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द लॉस्ट अब यहाँ पे जो डेल्टा एच है हमारे पास ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू क्या होती है वॉट इज स्मॉल डेल्टा एच स्मॉल डेल्टा एच जो वैल्यू uh, है इक्वीपोटेंशियल ड्रॉप की दिस स्मॉल डेल्टा एच इज नथिंग बट स्मॉल डेल्टा इज कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाई एनडी कोई भी फिगर देख के हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं उसको एनडी से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्मॉल डेल्टा एच मिल जाएगा है ना तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर क्वेश्चन में पूछते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इज नथिंग नथिंग बट बट डिवाइड स्मॉल डेल्टा एच डिवाइड सॉरी स्मॉल डेल्टा डिवाइड बाई द लास्ट फ्लो फील्ड इसमें से जो स्मॉल डेल्टा एच होता है उसकी वैल्यू क्या होती है कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाई एनडी ये हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जिट ग्रेडियंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए

हम सबसे पहले आई सी निकाल लेते हैं वट इज आई क्रिटिकल आई क्रिटिकल इज नथिंग बट जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई वर्ट इज जी क्वेश्चन में आपको देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है क्वेश्चन में और वायुन है जीरो पॉइंट एट फाइव तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जब प्रोडअप करेंगे टू पॉइंट सेवन माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस जीरो पॉइंट एट फाइव आई सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है सिंपल तरीके से वन पॉइंट सेवन डिवाइड बाय वन पॉइंट एट फाइव दैट कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट नाइन वन नाइन

थ्री फाइव फोर टू दैल्यू कम्स आउट टू भी जीरो पॉइंट नाइन इज टू पॉइंट फाइव नाइन वैल्यूट टू बी टू पॉइंट फाइव नाइन या फिर हम अप्रोक्सीमेट ऑप्शन में देखेंगे तो टू पॉइंट इज द आंसर टू पॉइंट इज द आंसर फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं फॉर द डैम है ना इसी के दो क्वेश्चन और देखते हैं रेट टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक क्वेश्चन ये देखिए जो कि गेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है डैम कंसिस्ट ऑफ 24 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स एंड सेवन फ्लो चैनल ट्वेंटी फोर इक्वी पोटेंशियल ड्रॉप एनडी की ट्वेंटी फोर एंड सेवन फ्लो चैनल एन एफ की वैल्यू गिवन हमको सेवन द डिफरेंस बिटवीन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल इज सिक्स मीटर्स डेल्टा एच आपको गिवन है सिक्स मीटर्स अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लेवल

फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल नथिंग बट आई सी डिवाइड बाई आई ई सबसे पहले हम बात करते हैं आईसी की आईसी इज नथिंग बट जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई जी की जगह हम लोग अप करेंगे टू पॉइंट सेवन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट सेवन वन पॉइंट सेवन बाई वन पॉइंट सेवन आई सी की वैल्यू हमारे पास है वन ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें आई ई की वॉट इज आई ई आई इज स्मॉल डेल्टा एच डिवाइड बाई कैपिटल एल स्मॉल एल वॉट इज स्मॉल डेल्टा एच स्मॉल डेल्टा एच इज कैपिटल डेल्टा एच डिवाइड बाई एनडी कैपिटल डेल्टा एच इज सिक्स मीटर क्वेश्चन में गिवन है ट्वेंटी फोर तो हमको स्मॉल डेल्टा एच की वैल्यू मिल जाएगी डेल्टा एच यहां वैल्यू अप कर देते हैं जीरो पॉइंट टू फाइव डिवाइड बाई एल लेंथ हमको गिवन है 25 ic डिवाइड बाय ie की वैल्यू क्या हो जाएगी तो ये हमारे पास ie है ये हमारे पास ic है 1 बाय 0.25 दैट इज इक्वल्स टू 4 तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ऑफ द सिमिलर टर्म्स एक और क्वेश्चन देख लीजिए अ कोहेजनलेस सोइल हैज वॉयड रेशियो ऑफ 40% e की वैल्यू गिवन है हमको 40% परसेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू पॉइंट सेवन जी इज गिवन टू पॉइंट सेवन द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दे दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू थ्री आपको आई ई पूछ रहा है व्हाट इज द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट हमको पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू आई सी डिवाइड बाय आई ई फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू गिवन है थ्री सबसे पहले निकाल लेते हैं आई सी की वैल्यू व्हाट इज आई सी आई जीज टू पॉइंट सेवन माइनस वन डिवाइड बाई वन प्लस जीरो पॉइंट फोर है ना टू पॉइंट सेवन माइनस वन इज वन पॉइंट सेवन डिवाइड बायर विच कम्स टू बी वन पॉइंट टू वन फोर वन पॉइंट टू वन फोर इसको यहां पुट अप कर देते हैं वन पॉइंट टू वन फोर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह अप करेंगे थ्री थ्री इजिकल टू वन पॉइंट टू वन फोर डिवाइड बाय आई आई ई की वैल्यू जाती है हमारे पास जीरो पॉइंट .40, फोर जीरो जीरो पॉइंट फोर जीरो फोर एट हमारे पास क्या हो गया आई ई जीरो पॉइंट फोर जीरो फोर एट ठीक है इस तरीके से इसके क्वेश्चन जो है बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे ये तो बहुत बेसिक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हो गए हम लोग ये कुछ कंसेप्शुअल क्वेश्चन करने वाले हैं मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन का जो एक शीट है फ्री शीट है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं हमने ऐसे थर्टी थर्टी फाइव क्वेश्चन जो है अरेंज कर रखे हैं जो कि नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन हैं ईजी है वन स्टेप क्वेश्चन है लेकिन अभी तक गेट में या फिर किसी एग्जाम में पूछे नहीं है बट दे कैन कम है ना उन क्वेश्चन को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे आप इसको रिवाइज करिए और एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बिफोर चेकिंग द सॉल्यूशन थैंक यू सो मच